नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 24th of August 2022 एंड दिल्ली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज आज के रहने वाला है यहाँ पर असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज को हम लोग यहाँ पर प्रॉपरली फोकस करेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहेगा इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में आप सभी को लगा दिया जाएगा। प्लीज़ वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहला असम ट्रिब्यून से यहाँ पे न्यूज़ ले रहे हैं, राइस बेस्ड एग्री फूड सिस्टम को प्रमोट करने की बात की जा रही है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ असम और इंटरनेशनल जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, राइट, जिसके तहत बोला गया है दैट आने वाले समय में राइस बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम को असम में प्रमोट किया जाएगा। अच्छा, इसके थ्रू क्या किया जाएगा? देखो, बेसिकली जो राइस वैल्यू चेन है ना, उसको और भी ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड वे में यू नो मेक श्योर किया जाएगा, जिससे जो राइस की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो वो स्मूदन हो सके, राइट। और इसके लिए टेक्नोलॉजी फ्लो का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देख लो, जीआई बेस्ड सिस्टम का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाएगा। इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मेक श्योर किया जाएगा दैट राइस वैल्यू चेन को और भी कैसे हम लोग स्ट्रेंथन कर सके, राइट। और इसके लिए हम लोग ऑफकोर्स फार्मर प्रोड्यूसिंग और कंपनीज जो है उसके साथ भी टाई अप करेंगे, है ना। और ऑफकोर्स देखो, इससे फायदा ये हो रहा है ना दैट अगर उनसे आप टाई अप करोगे तो उनको भी पैसे मिलेंगे, है ना। तो ओवरऑल एक बिजनेस मॉडल जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा, समझ रहे हो बात। तो ये तो एक रहा। नेक्स्ट, असम ट्रिब्यून का जो ये न्यूज था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां पे बोला गया चीप ट्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, चीप चाय टी, है ना। तो देखो, बोला गया कुछ कुछ देश है, जैसे इंडोनेशिया ले लो, वियतनाम ले लो, मलेशिया ले लो, नेपाल ले लो, वहां पे एवरेज क्वालिटी ऑफ टी जो है ना बहुत लोअर प्राइसेस में मिल रहा है एज कंपेयर टू इंडिया। नाउ आप बताइए, तो कोई भी चीज का अगर दाम बढ़ता है या फिर घटता है, क्यों घटता है? ऑफ कोर्स डिमांड सप्लाई के कारण। डिमांड सप्लाई अगर के कारण मैं बोल रहा हूं तो इसका मेन रीजन यही है दैट इन कंट्रीज में जो है ना प्रोडक्शन हद से ज्यादा हो गया है, राइट। तो इसीलिए अगर हद से ज्यादा प्रोडक्शन, मतलब आप कम दाम में वही सामान दूसरे जगह में इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, अच्छा मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने देश से, है ना। तो इससे क्या हो रहा है दैट इंडिया में जो है ना हमारे देश के चाय ही बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे, तो इसलिए ट्रेडर सोच रहे चलो भाई बाहर से ही मंगा लेता हूँ, सस्ता में अगर मिलेगा तो, ठीक है। तो इंक्रीजिंग इम्पोर्ट ऑफ चीप टीज इनटू इंडिया इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। अच्छा कैसे? देखो ये डेटा सिंपली असम ट्रिब्यून का ही ये कटआउट है, आप अगर देख लोगे यहाँ पर 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, आप क्वांटिटी देखना, ठीक है, ये क्वांटिटी यहाँ ये सब मत देखना, ये वाला देखना, ठीक है। क्वांटिटी देखो 18.61, राइट, मिलियन केजी, उसके बाद 20.97 बढ़ रहा है ना, 21.12, 24, ठीक है, हाँ बीच में वो कोविड के लिए थोड़ा मार खा गया था, है ना, उसके बाद बढ़ ही जा रहा है। तो ये डेटा देख लो, बढ़े ही जा रहा है आने वाले समय में, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारी जो लोकलाइज टी इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुंच रहा है। और टी इंडस्ट्री की जब भी बात करूं तो मेजर कहां पर आया है? ऑफ कोर्स असम में। तो सोचिए असम के जो ट्रेडर, मतलब जो टी फार्मर्स है, उनके कितना ज्यादा नुकसान होगा, है ना। तो क्या आप इस पॉइंट को एज एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो? अगर कभी भी असम टी इंडस्ट्री या फिर असम एग्रीकल्चर रिलेटेड आस्पेक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया तो एब्सोल्युटली बिल्कुल रखा जा सकता है। नेक्स्ट, लीगल एड डिफेंस सिस्टम काउंसिल सिस्टम के बारे में बात किया। एक्चुअली नालसा ने लॉन्च किया है इस लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को, जिसके तहत फुल टाइम लीगल एड लॉयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे 365 डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज अथॉरिटीज अक्रॉस इंडिया। LADC, दैट इज लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम है क्या ये? एक नालसा फंडेड प्रोजेक्ट है जिसके तहत प्रोवाइड किया जाएगा फ्री लीगल एड, है ना, टू accused persons टू डिफेंड themselves इन केस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल्स। क्योंकि अभी तक ये फ्री लीगल एड प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। वैसे अगर देख लीजिएगा, नालसा जो है यही काम करती है, नालसा जिसको कंस्टिट्यूट किया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर, इसका काम ही यही था दैट फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके टू वैसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो क्या उतना ज़्यादा पैसे अफोर्ड करके यू नो उन लीगल सर्विसेज को खरीद नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जेल में घुसा दिया गया तो ऑफकोर्स यू नीड अ लॉयर, राइट, बट इफ यू डोंट हैव द मनी देन हाउ विल यू स्पेंड ऑन दैट, समझ लो बात। तो इसी के लिए बेसिकली नालसा का गठन किया गया था, तो नालसा के अंडर ही बेसिकली ये इनिशिएटिव लिया गया है ना। न्यायदीप, ये एक ऑफिशियल न्यूज लेटर है नालसा का। और अच्छा, जब नालसा का मैं बात कर रहा हूँ तो इसका कंपोजिशन अगर देख लीजिएगा, जस्ट एक शॉर्ट व्यू देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो पैट्रॉन इन चीफ होता है, और सेकेंड मोस्ट जो यू नो सीनियर जज होता है सुप्रीम कोर्ट के, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं नालसा का, ठीक है।
फॉर एवर केमिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे क्यों नहीं लग रहा है दैट हाँ आने वाले समय में आपको ये पूछा जा सकता है। देखो एक्चुअली में न्यूज़ क्यों है, क्योंकि एक रिसेंट स्टडी में पाया गया है दैट बहुत जगह में जो रेन वाटर हो गया ना, तो वो रेन वाटर जो अल्टीमेटली कंटामिनेट हो जाते हैं विथ पर एंड पॉलीफ्लूरो अल्काइल सब्सटेंसेस, जिसको हम लोग PFAS बोलते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल शॉर्ट नाम में फॉर एवर केमिकल्स भी बोलते हैं। अब फॉर एवर केमिकल्स नाम से क्या पता चल रहा है, फॉर एवर केमिकल्स मतलब ये ऐसे केमिकल्स हैं ना जो क्या रह ही जाते हैं एटमॉस्फेयर में, दे टेंड टू स्टिक अराउंड एटमॉस्फेयर या फिर रेन वाटर या फिर सॉयल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ ये PFAS दैट इज फॉर एवर केमिकल्स है क्या, ये मैनमेड केमिकल्स है जिसके द्वारा आपको नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाया जाता है। बहुत समय आप देख लोगे लोग खरीदते हैं वैसे कपड़े जो कि वाटर रिपेलेंट क्लोथिंग होते हैं, ठीक है, बट वाटर रिपेलेंट क्लोथिंग में अल्टीमेटली ये फॉर एवर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, आप समझ नहीं पा रहे हो। कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, राइट, रेजिस्टेंट ग्रीस, वाटर ऑयल, अलग अलग प्रोडक्ट में बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। टोमेटो फ्लू के बारे में न्यूज़ में था, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक नया इन्फेक्शन जिसको डब किया गया टोमेटो फ्लू, राइट, या फिर टोमेटो फीवर, उसको इंडिया में डिटेक्ट किया गया है उन बच्चों में जो क्या 5 साल से कम उम्र दराज के बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, ये डिजीज़ जो है ये एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है, इसीलिए क्यों, अब देखो इसका नाम भी पड़ा है टोमेटो फ्लू, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे देख रहे हो हाथ में ये सब देख रहे हो एकदम मतलब थोड़ा यू नो टोमेटो के कलर का हो गया ना, तो इसीलिए बेसिकली, ठीक है। फ्लू अफेक्ट्स चिल्ड्रन जो कि 5 साल के कम के बच्चे हैं, ठीक है, और सिम्टम्स अगर देख लीजिएगा तो यहाँ पे हमें रैशेज देखने को मिलते हैं, फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, पेन, स्किन इरिटेशन, डिहाइड्रेशन, तो ये सब टाइप की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये फ्लू बेसिकली सेल्फ लिमिटिंग ही है, दैट इज इसके लिए एज सच अभी तक तो कोई ड्रग नहीं है, बट हाँ अगर सपोर्टिव केयर दिया जाए ना बच्चों को तब तो आराम से, जैसे पहले क्या हुआ था आपका जाकर जब कोरोना हुआ था तब क्या दवाई निकला था अचानक से, नहीं ना, बट सपोर्टिव केयर दिया गया, बहुत लोगों को बचाया गया क्या, नहीं, तो वैसे यहाँ पर भी। और जी हाँ दोस्तों, ये फ्लू जो है ना टोमेटो फीवर जिसको बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस भी है, दैट इज़ अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया तो उसको आइसोलेशन में लगने का हमें चाहिए, नहीं तो अदरवाइज यहाँ से डिफरेंट अदर जगह में भी यह ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लाउड बर्स्ट के रिलेटेड। क्लाउड बर्स्ट क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, जब क्लाउड्स अचानक से एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है ना, हद से ज़्यादा बारिश अगर हो जाती है, इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी इन ए लोकलाइज रीजन या फिर एरिया, तो हम उसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, है ना। आप खुद सोचो ना, एक पर्टिकुलर जगह में अचानक से अगर बारिश हो गई, और ये सब जगह में बारिश हो ही नहीं रहा है, ये सब जगह में बारिश नहीं हो रहा, अचानक से इन रीजन्स में बहुत से ज़्यादा बारिश हो गया, तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहेंगे, जहाँ पे शॉर्ट स्पेल में बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा रेनफॉल, हद से ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, ठीक है। अब अगर हद से ज़्यादा रेनफॉल हो गया तो वहाँ पे बाढ़ नहीं आ जाएगा जी, है ना, तो वही तो बोला गया है, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शंस होता है, बेसिकली ये हिली रीजन्स में ही होते हैं, क्योंकि अगर क्लाउड बर्स्ट के बारे में बात करें तो ऐसा ये अनकॉमन फिनोमिना बिल्कुल नहीं है। मॉनसून मंथ्स के समय ये बिल्कुल होता है, स्पेसिफिकली हिमालयन स्टेट्स में, जहाँ पर लोकल टोपोग्राफी, विंड सिस्टम और टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब क्या होता है ना, अचानक से नीचे में हाई लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, हाई लो प्रेशर के कारण जो है यहाँ का सक्शन ऑफ विंड अपर रीजन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ऊपर में भी लो हाई प्रेशर, सॉरी नीचे लो प्रेशर क्रिएट होता है, ऊपर में हाई प्रेशर, ठीक है, तो अचानक से नीचे से सारे विंड्स चले जाते हैं और वहाँ पे डेंस क्लाउड बना के अल्टीमेटली हैवी रेनफॉल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने क्लासेस में भी पढ़ाया, अगेन क्लासेस को अगर आपको अटेंड करना है तो एनी टाइम यू कैन जॉइन वोद्रा एस अकेडमी, यू कैन कॉल ऑन टू दीज नंबर्स फॉर एनी फॉर ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिशंस। नाउ सवाल होता है, क्या क्लाउड बर्स्ट को फॉरकास्ट किया जा सकता है, आप खुद सोचो ना कैसे फॉरकास्ट करोगे, नहीं, क्योंकि मैंने जो बोला फिनोमिना जैसे क्लाउड बर्स्ट होता है वो एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड रीजन में होता है ना, सो यस इट कैन नॉट बी फॉरकास्टेड, नो फॉरकास्ट एवर मेंशन द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाउड बर्स्ट। हाँ, फॉरकास्ट आप ऐसा जरूर कर सकते हो दैट हाँ इस रीजन में हैवी रेनफॉल होगा, यू नो हैवी रेनफॉल इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, दैट कैन बी फॉरकास्टेड, बट यू कैन नॉट फॉरकास्ट दैट हाँ इस रीजन में क्लाउड बर्स्ट हो गई, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट जो है वहाँ के लोकल टोपोग्राफी, वहाँ के लोकल यू नो विंड ग्रेडियंट के कारण जो है हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, समझ लो बात। नेक्स्ट, पांडुरंग खानकोजे
न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि स्पीकर ओम बिरला जी का बेसिकली टूर था मेक्सिको में, तो वहाँ पर उन्होंने एक स्टैचू को अनवील किया जो क्या फ्रीडम फाइटर और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फांडुरांग खांकोजे का था। फांडुरांग खांकोजे ये महाराष्ट्र में जन्मे हुए थे, ये एक फ्रीडम फाइटर और एग्रीकल्चरिस्ट थे, राइट। खांकोजे वॉज ऑल्सो द फाउंडिंग मेम्बर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी वही पार्टी की बात कर रहा हूँ जो क्या यू नो सैन फ्रांसिस्को में बेसिकली 1914 में खोला गया था यूएस में, ठीक है। He was a professor of National School of Agriculture in Mexico City के आसपास एक region है, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है। In fact, इन्होंने research किया था on corn, wheat, pulses, rubber और ऐसे varieties of corn, wheat, pulses, rubber develop किए थे जो क्या frost and drought resistant हो। इसीलिए इनको you know इन्होंने green revolution जो लाया गया था ना मेक्सिको में, मेक्सिको का green revolution का बात कर रहा हूँ, इंडिया का नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने बहुत important role अदा किया था। In fact, American जो agronomist थे जिनका नाम था डॉक्टर नॉर्मैंग बॉडलूम, वो बाद में इंडिया में green revolution को लाए थे, ठीक है, by bringing the Mexican wheat variety, ठीक है। तो देखो इंडिया में जो है इन्होंने नहीं लाया था, इनफैक्ट डॉक्टर नॉर्मन बॉडलॉग ने लाया था, ठीक है, ये कन्फ्यूजन जिससे आपको होना, लेट मी क्लियर इट। नेक्स्ट इज वुमेन इन साइंस। देखो एज पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेटा के अनुसार नंबर ऑफ वुमेन्स जो साइंस के फील्ड में काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहा है अगर पास्ट 20 साल में देखिएगा तो, ठीक है। तो कुछ कुछ फाइंडिंग्स देख लेते हैं। वुमेन अमंग रिसर्चर्स इंक्रीज हुआ है 2015 से, देख लीजिएगा 2018 का डेटा, इंक्रीज हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल हुआ है। देयर इज गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन टिल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इनफैक्ट अगर इंजीनियरिंग, नेचुरल साइंस, हेल्थ में देखोगे तो प्रोपोर्शन कुछ कुछ ऐसे हैं जहां पर हेल्थ में सबसे ज्यादा है, नेचुरल साइंस में उसका कम है, सबसे कम रिस्पेक्टिवली इंजीनियरिंग में है, ठीक है। इश्यूज, अब मेन इश्यूज क्या है, दैट अगर इंडिया का डेटा देख लीजिएगा वो कहीं उल्टा यू नो संकेत देता है। दैट इज 2018 का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग बहुत पीछे हैं, ठीक है। 2019 का ऑल इंडिया सर्वे जो हुआ था हायर एजुकेशन में, उसमें बोला गया था सिग्निफिकेंट लैग है फीमेल पार्टिसिपेशन में डॉक्टरल लेवल में। डिफरेंट अदर इश्यूज भी है, जैसे अगर सोचो एक वुमेन महिला और एक मेल काम कर रही है एक ही रीजन में, तो वो मेल डोमेन जो है वो अगर कोई रीजन ऐसा है जो कि मेल का डोमेन है, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, दैट इज अ मेल डोमेन। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज अ मेल डोमेन। तो वहां पे आप लड़कियों का जो प्रोपोर्शन देखोगे बहुत कम देखोगे, ठीक है। कुछ कुछ सरकार मेजर्स जरूर ले रही है, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 जो कि टारगेट करती है 30% ऑफ वुमेन एट अ पोस्ट डॉक्टरल लेवल बाई 2030, है ना। उसके बाद आप ये सब भी देख सकते हो दोस्तों, ये कुछ कुछ देखो अगेन रटने वाला चीज है, मतलब करंट अफेयर्स वाले चीज है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट देखो ये किरण क्यूरी है ना, विज्ञान ज्योति स्कीम, इंडो यूएस फेलोशिप फॉर वुमेन, ठीक है। तो मेक श्योर करना दैट ये जस्ट आपको 100% याद नहीं रहेगा, ऑफकोर्स कभी भी 100% किसी को भी नहीं याद सकता है, ठीक है, बट एटलीस्ट यू कैन रिकॉल 40% ऑफ इट ना। सो मेक श्योर दैट एक बार वीडियो पॉज करके, क्योंकि वही चीज लिखा हुआ वही चीज बोलूंगा, ठीक है। सो या डू इट। नेक्स्ट, नॉट सेंटर्स ऑफ लर्निंग येट, आंगनवाड़ी सिस्टम जिसको बोला जाता है पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, ये सर्व करता है ओवर 30 मिलियन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ दिस टू दिस अक्रॉस द कंट्री। नाउ अभी नॉट सेंटर्स ऑफ लर्निंग येट मतलब ICDS के तहत जो बच्चे होते हैं यूजुअली एज ग्रुप, मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको बोला जाता है ICDS इज अ सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर देम, बट अभी इस आर्टिकल में बोला गया था नो इट इज नॉट द सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर देम। कैसे भाई? कुछ कुछ इश्यूज है, पहले देख लेते हैं वो इश्यूज। अटेंडेंस के सेक्टर में अगर देख लीजिएगा तो ICDS स्कीम के अंडर जितने बच्चे इनरोल्ड है ना उसमें 70% ऑफ चिल्ड्रन आर इनरोल्ड टू आंगनवाड़ीज, बट यहां पर भी अटेंडेंस जो होता है उनका बहुत कम होता है, समझ लो बात। तो अब देखो अटेंडेंस ही अगर कम है तो एक्चुअली हमें समझना पड़ेगा ना ICDS स्कीम हम लोगों ने बनाया क्यों है, जिससे उन बच्चों का जो हेल्थ सेक्टर्स हो, न्यूट्रिशन सेक्टर हो, एजुकेशन नीड्स हो, उनको फुलफिल किया जा सके। माफ करिएगा दोस्तों, है ना। तो अगर हम वही चीज नहीं फुलफिल कर पाएंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है दोस्तों। और एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है ये पेरेंट्स के रोल को लेकर है। अब देखोगे इसमें ICDS में जो है ना पेरेंट्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ बेनिफिशरीज ऑन द वे, राइट, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी पैसिव रेसिपिएंट तो होते ही है ना राशन के, राइट। तो देखो अब ये क्या है ना दैट इनका भी फोकस उनके बच्चों के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं होता है। बच्चे इनफैक्ट पेरेंट्स सोचते हैं दैट अरे ICDS में बच्चे से रखने से अच्छा तो उससे अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज और मैथ स्किल्स पढ़ाओ, राइट। अब इंग्लिश लैंग्वेज मैथ स्किल्स अगर पढ़ाओगे तो ऑफकोर्स आप बच्चों को यू नो
कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में दो, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें कहीं ना कहीं मंशा देखने को मिलता है। तो सवाल होता है दैट ये प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट कर रही है आईसीडीएस में, तो इसके क्या क्या कुछ सॉल्यूशंस हैं। देखो बार बार बता रहा हूँ, आप लोग सॉल्यूशंस पे फोकस करो, क्योंकि कल को अगर आपका डेप्यूटेशन कोई भी रीजन में हो गया एज अ सिविल सर्वेंट, देन यू नीड टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर एनी प्रॉब्लम्स, राइट। सो जैसे आपको फोकस करना पड़ेगा ऑन लोकल लैंग्वेज ड्रिवन प्ले बेस्ड पेडागॉजी, ठीक है, जो जैसे चाइल्ड स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, उस टाइप का आप क्यों ना यहाँ पर भी इंक्लूड करो, प्ले स्कूल्स जो होते हैं, है ना। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमें करवाना पड़ेगा, और स्किल्ड एडुकेटर्स हायर करो स्किल्ड एडुकेटर्स को, जैसे दिल्ली मॉडल हम लोग अपना सकते हैं, जहाँ से दिल्ली से फॉरेन कंट्रीज में भेज कर उन लोगों को ट्रेनिंग लेकर अल्टीमेटली लाया गया था, तो वही चीज़ हम लोग क्यों ना वहाँ पर भी अपना सकते हैं। एक्सप्लोर एंड मैनिपुलेटिंग देयर फिजिकल एनवायरनमेंट टू डेवलप अर्ली लैंग्वेज, जी हाँ, अर्ली न्यूमरेसी, सोशल इमोशनल कनेक्ट जिससे हम लोग क्रिएट कर सके, क्योंकि अगर देखो इन सब सारे चीज़ों में अगर फोकस करेंगे ना बच्चों के लेवल में ही, तो बच्चों का कॉग्निटिव स्किल, उनका लिटरेरी न्यूमरेसी स्किल्स, यही सब जो बेसिक चीज़ें चाहिए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे, ठीक है। रेगुलर पेरेंट टीचर मीटिंग तो हमें करना ही पड़ेगा, जैसे शिक्षा चौपाल, क्या होता है यहाँ पे शिक्षा चौपाल में, पेरेंट टीचर मीटिंग ही तो होता है, राइट। तो मेक श्योर करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, राइट। एंगेजमेंट करना पड़ेगा पेरेंट्स के साथ, जिससे सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में ही नहीं, बल्कि अपने घर में भी प्रॉपरली पेरेंट्स अपने बच्चों को वो मैसेजेस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू नॉर्म्स टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कहा जा रहा है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है यह नए नॉर्म्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि आउटसाइड इन्वेस्टर्स के लिए भी, क्योंकि बट एक देखो ऐसा नहीं होता है दैट कोई भी अगर कानून बनता है तो सबके लिए इजी होता है, कुछ ऐसे भी सेक्शन के लोग होते हैं जिनके लिए टफ हो जाता है। तो इजी अर किन के लिए होगा, डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स के कारण, क्योंकि वो इस कानून का इस्तेमाल करके बाहर में इन्वेस्ट आराम से कर सकते हैं, राइट। अब टफर किसके लिए हो जाएगा, टू वैसे लोग जो क्या लोन को डिफॉल्ट करते हैं, ठीक है। तो सवाल होता है नए नॉर्म्स क्या बतलाते हैं, ये सब्स्यूम कर लेता है हर एक नॉर्म्स ऑन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो कि अभी तक बना है, राइट। और एक नया नॉर्म्स लाया जा रहा है एंड दैट इज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसको नोटिफाई किया जाएगा अंडर फीमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको फर्दर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाई RBI। अब इसमें जो है ना नो गो सेक्टर्स बोले गए हैं, दैट इज बोला जा रहा है दैट इंडियन रेसिडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑन फॉरेन एंटिटीज, वैसे एंटिटीज जो कि एंगेज होते हैं अपने आप को इनटू रियल एस्टेट एक्टिविटी या फिर कोई गैम्बलिंग एक्टिविटी इन एनी फॉर्म, ठीक है। तो इंडियन रेसिडेंट्स को अलाउ ही नहीं किया जाएगा। सो ये दो बेसिक चीज़ें जो कि अभी तक पता चला है, जैसे चीज़ें अपडेट होती रहती है विल अपडेट यू, डोंट वरी। सो देखो यहाँ पर भी तीन टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक है ऑटोमेटिक रूट, एक है अप्रूवल रूट, और एक है प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज में तो बोला ही मैंने, ऑटोमेटिक रूट में कोई RBI का अप्रूवल नहीं चाहिए, अप्रूवल रूट में यस RBI का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। मनरेगा भी न्यूज में था, एक्चुअली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने रिलीज किया था एक एक्शन रिपोर्ट ऑन मनरेगा, और गवर्नमेंट ने इस एक्शन रिपोर्ट में 26 रिकमेंडेशंस आउट ऑफ 33 रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट भी कर ली है। चलो पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया इंक्रीज कीजिए नंबर ऑफ वर्किंग डेज टू 150, अभी क्या है 100, ठीक है। तो हर एक रीजन में नहीं, वैसे रीजन में जहां पे ड्रॉट या फिर कॉलमेटी हिट एरिया है तो उन पर एटलीस्ट आप 100 से बढ़ाकर 150 कर दीजिए, सरकार ने माना। नेक्स्ट इज प्रोमोट वुमेन सेंट्रिक वर्क, वुमेन सेंट्रिक वर्क को प्रोमोट करना ही पड़ेगा, मतलब डिस्पाइट द एफर्ट टू इन्वॉल्व मोर वुमेन, स्टिल अभी भी अगर वुमेन पार्टिसिपेशन देख लीजिएगा वो जितना एक्सपेक्ट किया गया था उतना नहीं हो पा रहा है। तो उस चीज इसीलिए इसको बोला गया है दैट वुमेन सेंट्रिक वर्क को आप दीजिएगा तब ना वुमेन ज्यादा से ज्यादा आएंगे जी, है ना। नेक्स्ट इंक्रीज इन वेज एंड लिंक इट विथ इन्फ्लेशन, मतलब अभी क्या है ना दैट अगर सोचो कोई एक पर्टिकुलर रीजन में अगर सोचो 500 रुपये दिहाड़ी मिल रहा है तो वो 500 रुपये दिहाड़ी मिलेगा एक दिन का, ठीक है। अरे समय के साथ साथ इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है ना, इन्फ्लेशन के साथ हमें वो उनका सैलरी लिंक अप करना चाहिए ना। अब देखो मंत्री लोग इन्फ्लेशन के साथ उनका सैलरी बनता है क्या, नहीं। कोई भी अगर सरकारी ऑफिशियल ले लो, इन्फ्लेशन के साथ सैलरी उनका बढ़ाया जाता है क्या, नहीं। 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन आता है क्या, नहीं, है ना। तो बट इनका तो कोई पे कमीशन नहीं होता है ना, तो इसका मेक श्योर करना पड़ेगा इन्फ्लेशन के साथ इनकी सैलरी भी बढ़ाया जाए। टाइमली फंडिंग, दैट इज करंटली अगर देख लीजिएगा वेज पेमेंट जो है ना डिलेड किया जाता है फॉर 71% ऑफ द ट्रांजेक्शन, है ना। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, टाइमली फंड प्रोवाइड करवा दो। कन्वर्जेंस करो वेरियस रूरल डेवलपमेंट स्कीम का अलॉन्ग विथ मनरेगा,
डोरस्टेप मेडिकल फैसिलिटीज होने चाहिए जॉब कार्ड होल्डर्स के लिए, और रोल बैक सिस्टम हमें लाना पड़ेगा ऑन टू द कास्ट बेस्ड वेजिंग, क्योंकि अभी भी अगर मनरेगा में देख लोगे कास्ट बेस्ड में पे किया जाता है, पता है, मतलब अगर शेड्यूल कास्ट के हो, शेड्यूल ट्राइब के हो या फिर डिफरेंट अदर, तो उसका पेमेंट भी स्ट्रक्चर भी अलग अलग, तो ये सब हमें डू अवे कर लेना चाहिए अभी। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें राय जो है बतलाई गई थी इसमें। मनरेगा की अगर बात करें तो ये ऑफकोर्स गारंटी करता है हमारा राइट टू वर्क, है ना, जिसमें के थ्रू 100 दिन का एकदम वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम प्रोवाइड करता है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है ऑफकोर्स एसोसिएट करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। विद इन 15 डेज अगर काम नहीं दिया गया तब बेसिकली कुछ कुछ अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों को, है ना, जिसको बोलता है ना बेरोजगारी भत्ता, याद है, तो वही चीज़, अगर काम नहीं दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ पैसे सरकार ऐसे फ्री में दे देगी, ठीक है, वही है। सोशल ऑडिट ऑफ मनरेगा वर्कर्स इज मैंडेटरी, और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो है वो अप्रूव करती है शेल्फ ऑफ वर्क्स अंडर द मनरेगा। मतलब देखो सोशल ऑडिट क्या हुआ ना, जैसे सोचो मनरेगा के अंडर आपके गाँव में एक रोड बन गया, तो आप सोसाइटी लोग मतलब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत डिसाइड करेगी दैट ये रोड सही है क्या नहीं, बना है क्या नहीं, अगर सही नहीं बना है तो पैसे ही नहीं प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ऐसे होता है, समझ रहे हो बात। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, प्रोविजंस है मनरेगा के अंडर। नेक्स्ट, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है ब्रीथ टेकिंग ऑरोराज ऑन जुपिटर। देखो दोस्तों, अब ऑरोराज क्या होता है, जैसे अगर हमारे अर्थ में भी देखोगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में क्या होता है ना, इस रीजन में और इस रीजन में ऑरोराज ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोराज बोरियालिस हमें दिखता है, राइट, और वो कुछ कुछ नदर्न लाइट्स और सदर्न लाइट्स इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये इस पोल्स में दिखता है क्योंकि सन से जो बेसिकली आपके आयंस एमिट होते हैं ना, वो अल्टीमेटली इधर से कभी कभी घुस जाती है, ठीक है, तो ये सब दिखता है ऑरोराज। अब वही इसी टाइप के ऑरोराज जुपिटर में भी देखने को मिला है, यही जस्ट न्यूज में था। इसका मतलब आप थोड़ा इंटरप्रेट कर सकते हैं दैट हाँ, जुपिटर में भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, है ना। वैसे तो अगर देखोगे जुपिटर इट इज अ गैसिश प्लैनेट मोर ऑर लेस, क्योंकि ऊपर में ज्यादातर गैसेस ही है, बट भीतर में कहीं ना कहीं जैसे हमारे अर्थ में है ना, तो वैसे ही जुपिटर में भी आपका देखने को हमें मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जस्ट एक छोटा सा ज्योग्राफिकल टर्म एस्पेक्ट में एक न्यूज़ था, है ना, जैसे अगर कल को अगर क्वेश्चन आ गया बताओ भाई ऑरोराज जो है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ में ही दिखता है, सुनो दैट विल नॉट बी करेक्ट आंसर, क्योंकि ये अर्थ को छोड़कर डिफरेंट अदर ऐसे और भी प्लैनेट्स हैं जिनका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण ये ऑरोराज जो है उन प्लैनेट्स के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हमें दिखता हुआ मिलता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था दोस्तों, ये बेसिकली आर्टिकल ही था, ये आसाम ट्रिब्यून का ही आर्टिकल था, रशिया डिटेन्स आईएसआईएस टेररिस्ट प्लॉटिंग सुसाइड अटैक्स इन इंडिया। ये देखो क्या है ना, रशिया का फ्रेंडशिप हम बोल सकते हैं, वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ फ्रेंडशिप दैट रशिया इज डूइंग विद अस, क्योंकि हम लोगों ने भी जब रशिया का समय था तो वी हैव हेल्प देम, सो यस दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस। मतलब एक टेररिस्ट था आईएसआईएस टेररिस्ट, वो प्लॉट कर रहा था सुसाइडल अटैक इंडिया में, ठीक है, तो उसी को धरदबोचा है रशिया ने, ठीक है, क्योंकि इनका इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो एनीवेज दिस इज अ वेरी गुड जेस्चर, आप इनफैक्ट बता भी सकते हो कभी अगर इंडिया रशिया फ्रेंडशिप के बारे में कुछ क्वेश्चंस आए तो यू कैन एब्सोल्युटली टेल देम दैट यस रशिया इज डूइंग दिस फॉर अस, राइट। अब आ जाते हैं कुछ एमसीक्यूज में। सबसे पहले तो कल का क्वेश्चन पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर वाज आल्सो डब्ड एज झांसी की रानी ऑफ ट्रावणकोर बाई महात्मा गांधी जी। तो ऑफकोर्स अकामा शरियान वॉज द राइट आंसर, कल हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस भी किया था इसके बारे में। ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट इज अ स्किलिंग प्रोजेक्ट टारगेटिंग विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल, आंसर विल बी ट्राइबल यूथ। अब देख लीजिएगा कितनों का आंसर है, मैंने एक्चुअली वो कलेक्शन डेटा है नहीं अभी। एनीवेज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आज का क्वेश्चन, मनरेगा गारंटीज द राइट टू वर्क। दूसरा स्टेटमेंट, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अलाउंसेस इन केस ऑफ इन केस एम्प्लॉयमेंट आर नॉट प्रोवाइडेड विद इन 5 डेज। तीसरा, सोशल ऑडिट ऑफ मनरेगा वर्कर्स इज मैंडेटरी। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, या फिर 1, 2 and 3, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लाउड बर्स्ट इज नॉट करेक्ट। अ क्लाउड बर्स्ट इज अ लोकलाइज्ड बट इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी। दूसरा है, क्लाउड बर्स्ट आर नॉट अनकॉमन इवेंट्स। तीसरा है, दे मोस्टली हैपन इन हिमालयन स्टेट वेयर लोकल टोपोग्राफी विंड सिस्टम एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आर फेवरेबल। चौथा है, फोरकास्ट इज ईजिली पॉसिबल फॉर क्लाउड बर्स्ट। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना है वट इज द करेक्ट आंसर, विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइज, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।